नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। मुख्यमंत्री का मुकाबला अपने ही कैबिनेट के मंत्री से होगा, यानी कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उनके ही कैबिनेट में मंत्री सरयू राय चुनाव लड़ेंगे। झारखंड पश्चिमी सीट से रघुवर दास विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और फिलहाल जो रघुवर दास की कैबिनेट में मंत्री हैं सरयू राय, उन्होंने बागी होने का मन बना लिया है। उन्होंने बगावत कर दी है और राजनीतिक सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही है कि चूंकि सरयू राय को यह अंदेशा हो चला है कि उनका टिकट काटा जा सकता है या फिर तकरीबन कट गया है, इसलिए वे रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ाएंगे। रघुवर दास जिस जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी सीट से सरयू राय भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन उसमें कहीं भी सरयू राय का नाम नहीं है। यह चर्चा थी कि सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट दे सकती है बीजेपी, लेकिन जब तीसरी लिस्ट में भी सरयू राय का नाम नहीं आया तो उन्होंने बगावत करने का मन बना लिया है और यह तय माना जा रहा है कि वे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और अपने समर्थकों से भी वे लगातार चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी उन्होंने कह दिया है कि मैं बागी होकर चुनाव लड़ूंगा सीएम रघुवर दास के खिलाफ, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने उन्हें कहा है कि जब तक अंतिम लिस्ट जारी न हो जाए तब तक आप इंतजार करें। रघुवर दास और सरयू राय के बीच के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। सरयू राय जब रघुवर दास की कैबिनेट में संसदीय कार्य मामलों के मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रघुवर दास ने इस्तीफा स्वीकार किया था। बाद में वे खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उनके कैबिनेट में रहते हुए भी सरयू राय कई मौकों पर मुखालफत करते रहे हैं सीएम रघुवर दास की, और इसलिए दोनों के बीच के रिश्ते तल्ख रहे हैं। इसलिए भी माना जा रहा है कि बीजेपी सरयू राय का टिकट काट सकती है और इसलिए सरयू राय अब बागी होने का कह सकते हैं कि ऐलान ही बाकी है, बागी हो गए हैं तकरीबन, और वे जमशेदपुर पश्चिमी सीट से सीएम रघुवर दास की मुश्किल बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और झारखंड को यह दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा जहां एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।